मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए संजय कुमार स्वामी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संजय कुमार स्वामी के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फोटोशॉप के अंदर जिस तरह से हम लेयर मास्क यूज में लेते हैं, लेयर मास्क, उसी तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर एक ऑप्शन है ओपेसिटी मास्क। आज के इस वीडियो के अंदर हम ओपेसिटी मास्क के बारे में बात करेंगे, साथ ही ट्रांसपेरेंसी पैनल के अंदर जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ओपेसिटी, उनके बारे में भी मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आपको लगेगा नहीं एडवांस, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? फोटोशॉप के अंदर कोई नया लेयर लेके आते हैं हम, तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक कलर व्हाइट कलर, या फिर आप ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट करते हैं। देखिए वैसा यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप व्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ये ऑप्शन मिलेगा, शिफ्ट कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है, क्लिक करें। ये इसी तरह का ट्रांसपेरेंसी आप लेके आते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर लेके आते हैं फोटोशॉप के अंदर, तो ये यहाँ पर पूरा पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है ट्रांसपेरेंट हो गया। इससे क्या होगा, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी का पता चलेगा बैकग्राउंड वाले लेयर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, और इस रेक्टेंगल का कलर मान लीजिए मैंने ये दे दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कलर दे दिया, इसका कलर ये कर देता हूँ, और कंट्रोल टू दबा करके मैं इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एक और लेयर ले आता हूँ, इलिप्स, ये इलिप्स लिया और इलिप्स का कलर मैं ये कर देता हूँ ब्लू। अब अगर इस इलिप्स को आप ट्रांसपेरेंसी पैनल के अंदर जाएंगे, पैनल अगर आपका दिखाई नहीं दे रहा है, विंडो के अंदर जाएं और आप सिलेक्ट करें ट्रांसपेरेंसी, यहां पर आपको मिलेगा, जिससे आपको ये पैनल नजर आएगा। अब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहां पर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर ओपेसिटीज के जैसे ही कम करेंगे, तो ये आपको यहां पर पता चल रहा है कि अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर ट्रांसपेरेंट है, नीचे जो पारदर्शी इसके अंदर दिख रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, इस ओपेसिटी को मैं एक बार वापस बढ़ा देता हूँ, और इसी के मैं कुछ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बनाया, और इसका कलर मैं यहाँ पर एक का ग्रीन कर देता हूँ और एक का मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, तीन अलग अलग कलर मैंने कर दिए। अब इन तीनों का सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप बना लेता हूँ, ये बन गया ग्रुप। ग्रुप के आप ओपेसिटी कम ज्यादा करेंगे तो पूरे ग्रुप के एक साथ हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पर ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसकी यहाँ पर ओपेसिटी कम करूंगा, 50% मैंने कर दी, ओके कर देंगे, बाहर निकलाएंगे। लेकिन इस ग्रीन वाले की ओपेसिटी, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, तो इसके अंदर से ये रेक्टेंगल दिख रहा है, वो नीचे वो सब दिख रहे हैं, साथ ही ये इसी के ग्रुप के अंदर जो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, जो रेड वाला और ब्लू वाला, वो भी इसके अंदर से नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने ग्रुप के अंदर तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आए, ग्रुप को तो अंदर से नहीं दिखाए, सिर्फ बैकग्राउंड ही दिखाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस ग्रुप को सिलेक्ट करके यहाँ पर नॉकआउट ग्रुप नाम से ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ पर टिक मार्क आ जाए तब तक आपको यहाँ पर करना है, तीन ऑप्शन है यहाँ पर, जब राइट का चिन्ह इस तरह से आ जाए तब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे छोड़ देना है। अब आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाला ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये अपने ग्रुप वालों की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ग्रुप वालों के पास भी इस तरह से लग रहा है कि ये कट है। अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी आप बिल्कुल ही कम कर देंगे तो इस तरह से कट लगेगा, यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी ये नहीं दिखाएगा। तो यहाँ आप जाने के बाद में अगर ग्रीन की ओपेसिटी यहाँ पर बढ़ाएंगे, कम करेंगे, और वापस अगर मान लीजिए इस नॉकआउट ऑप्शन को यहाँ पर ऑफ करेंगे, तब इनको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करके दिखाएगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा उतना पार्ट, वो दिखाएगा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन भी है, जो डार्कन, मल्टीप्लाई, इनको आप यूज ले सकते हैं, इनके बारे में डिटेल से हमने फोटोशॉप के अंदर मैंने बताया था, और इलस्ट्रेटर के अंदर आगे कभी ऐसा वीडियो बना करके एक एक को मैं बताऊंगा, लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपने पहले इनको सीख रखा है किस तरह से यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ओपेसिटी मास्क के बारे में। ये देखिए यहाँ पर मास्किंग के ऑप्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ बना लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं एक रिक्टेंगल बना लेता हूँ, इस तरह से मैंने एक रिक्टेंगल बना लिया, कलर इसके अंदर मैं कोई भी दे देता हूँ, मान लीजिए ये कलर मैंने दे दिया, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर जिस तरह से हम लेयर मास्क यूज में लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, लेयर पैनल के अंदर एक ऑप्शन होता है नीचे की साइड में, वहां पर क्लिक करते ही मास्क बन जाता है, बन गया मास्क,
ठीक ऐसे यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी के अंदर, मैक मास्क, क्लिक करेंगे ये मास्क बन गया। अब यहाँ पर जो मास्क बना है ये वाला यहाँ पर मास्क है, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है यहाँ पर ये मास्क है, और इस साइड में आप जाएंगे तो ये लेयर है। मास्क और लेयर के बीच में यहाँ पर एक चैन के जैसा यहाँ पर आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक नहीं रहेगा। अभी लिंक है और अभी बीच में लाइन आ गई, मतलब लिंक नहीं है। तो जैसे लिंक किस तरह से फोटोशॉप में सेम वैसे वैसे ये सब ऑप्शन, तो यहाँ पर आपने इसको मास्क को बना दिया। अब क्या करते हैं, जब ब्लैक वाला ये कलर है, मास्क का कलर कौन सा है, अभी ब्लैक कलर है, अगर यहाँ पर आप व्हाइट कलर लेके आएंगे तो अभी जो ये लेयर है इस कलर का ये हमें दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। तो मैं इस मास्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एक इलिप्स ले आता हूँ, और इलिप्स इस तरह से जैसे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर देखिए इलिप्स बन गया और अंदर से वो दिख रहा है। अब देखिए एक बात, यहाँ पर जो अभी लेयर नजर आ रहा है ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। ट्रांसपेरेंट क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो ये कलर ब्लैक है ना ये कलर व्हाइट है। अगर आप इसको इलिप्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्योर ब्लैक कलर दे देंगे तब तो ये दिखाई नहीं देगा, व्हाइट कलर कर देंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। आपको पता है कि जो लेयर मास्क होता है उसके अंदर ब्लैक और व्हाइट का भी पूरा पूरा खेल होता है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं अगर फील कर दूंगा ग्रेडियंट, तो फील कैसे करूंगा, ग्रेडियंट पैनल के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से ले आता हूँ ग्रेडियंट पैनल, ये रहा ग्रेडियंट, और मैं इसके अंदर फील कर दूंगा ग्रेडियंट। यहाँ पर ही क्लिक करके आप ले सकते हैं, ये आपने ग्रेडियंट ले लिया। तो ये यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ब्लैक से व्हाइट की ओर जाते हुए ग्रेडियंट फील किया है, और इसके अंदर जिस साइड में आपको व्हाइट नजर आ रहा है वहां से तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, जिस साइड में ब्लैक नजर आ रहा है वहां से पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस जगह पर आप शिफ्ट के साथ में क्लिक करेंगे तो ये मास्क डिसेबल हो जाएगा, डिलीट नहीं डिसेबल होगा। क्लिक करें, ये यहाँ पर डिसेबल हो गया। डिसेबल होते ही क्या हुआ, ये पूरी तरह से हमें दिखाई देने लग गया, और ये अब आप इसके ऊपर जो है इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं, और शिफ्ट के साथ में वापस क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए मैं रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज करने से क्या होगा, दोनों के दोनों यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे, मास्क नहीं रहेगा अब इस तरह से। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक जगह व्हाइट कलर है इस साइड में ब्लैक कलर है, और वापस मैं इसको नीचे वाले को सिलेक्ट करूंगा, ऊपर वाले को इसके ऊपर रखूंगा, दोनों को आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो भी मैक मास्क कर सकते हैं। ऊपर वाला क्या होगा, यहाँ पर मास्क बन के आ जाएगा, कुछ नहीं एकदम सिंपल सा है। कोई भी यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर कलर दें और यहाँ पर मैक मास्क कर दें, मास्क बन गया। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी आप अगर इलिप्स लेके आएंगे और यहाँ मास्क को सिलेक्ट करने के बाद में व्हाइट कलर फील करेंगे तब तो दिखाई देगा, और ब्लैक कलर फील करेंगे तब दिखाई नहीं देगा। ब्लैक कलर यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये दिखाई नहीं दिया, व्हाइट करेंगे तो ये दिखाई दे देगा। बस इतना सा मास्क है। अब इसको आप एडवांस तरीके से थोड़ा सा, अगर इसी के अंदर आप ब्लैक और व्हाइट को थोड़ा सा ब्लैक लाएं थोड़ा सा व्हाइट लाएं तो वो ग्रेडियंट लेके आप यूज ले सकते हैं, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ। इसके अंदर मैं आप क्या करूंगा, ये देखिए एक साइड में ब्लैक है और एक साइड में व्हाइट है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक यहाँ पर ऑप्शन है क्लिप। क्लिप क्या करता है, क्लिपिंग मास्क की तरह सिंपल, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लिपिंग मास्क देखा था। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर पड़ा है, ऊपर वाला जो इलिप्स पड़ा है अंडाकार जो भी है, ये अभी क्लिप है, यानी कि इतनी दूर के अंदर ये नीचे वाला शेप हमें दिखाई दे रहा है, इसको हटा देंगे तो पूरी तरह से हमें दिखाई देगा। तो ये क्लिप करने के लिए बस, और कुछ भी नहीं है, इसको क्लिप कर देंगे तो इतनी इतनी दूर के ऊपर ही दिखाई देगा। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पर बनाया मास्क, तो जब लेयर्स के अंदर आप जाएंगे तो ये जो रेक्टेंगल है इसके नीचे डॉट 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 आएंगे कई सारे, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि भी ये मास्क है यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में ये दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेयर के अंदर दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन आएंगे। देखिए यहाँ पर लेयर ओपासिटी मास्क के लिए ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर इस साइड के अंदर सिर्फ बाकी नॉर्मल लेयर्स जो है वो लेयर, यानी कि ये लेयर है और ये मास्क है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन है इन्वर्ट मास्क, क्लिक करेंगे तो मास्क को इन्वर्स कर देगा, यानी कि जो आपने ग्रेडियंट फील किया है उसको इधर उधर इन्वर्स करके दिखा देगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे पास में एक फोटो है जो कि लेयर्स वाले को सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पर आएगी, और इस फोटो को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। करना क्या है, यहाँ पर पहले तो मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ये रिक्टेंगल बना लिया, ये रिक्टेंगल, ठीक है, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, रिक्टेंगल का कलर ये कर देते हैं, टेक्स्ट लिख देंगे, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, ये कलर मैंने दे दिया।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट और रेक्टेंगल को इसके ऊपर यहां लेके आना है, और ये टेक्स्ट जो है इसके अंदर से वो फोटो देखनी है, टेक्स्ट के अंदर से फोटो देखनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, कंट्रोल जी बन गया ग्रुप, अंदर जाते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी ओपासिटी बिल्कुल ही कम कर देंगे, ओपासिटी कम कर देंगे, बाहर निकल आएंगे, तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो नॉकआउट ग्रुप एक्टिव करना पड़ेगा, तो अंदर से आपको फोटो नजर आ गई, सिंपल। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे यहां से जहां से ये टेक्स्ट आप फोटो आप देख रहे हैं उस जगह के अंदर से यहां पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है वो यूज में लेने हैं उस जगह से। तो कैसे लेंगे, वापस जाएंगे इसके अंदर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहां से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन मान लीजिए कलर डो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कर दिया, कलर डो सिलेक्ट करने के बाद बाहर आ जाता हूँ, नहीं हुआ। अब देखिए समझने वाली बात ये है, मैं वापस इसके अंदर जा रहा हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी 100% कर दूंगा। अब बाहर आएंगे, अब कलर डोज इफेक्ट दिखाई देगा, इफेक्ट अच्छा नहीं है, आप इफेक्ट दूसरा ले सकते हैं, डार्कन ले सकते हैं मान लीजिए, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हो गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, अब देखिए एक ऑप्शन है यहां पर, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को यहां पर सिलेक्ट कर लिया, ये टेक्स्ट सिलेक्ट है, अब यहां पर ये अभी जिस जितने हमने लेयर बना रखे हैं इस सिचुएशन के अंदर, यहां पर अगर आप ओपासिटी कम ज्यादा करेंगे तो इस गर्ल्स नाम लिखा हुआ जो लेयर है उसकी ओपासिटी यहां पर कम नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो हमने ब्लेंडिंग मोड यूज कर रखा है यहाँ पर डार्कन, उसकी ओपासिटी कम ज्यादा हो रही है, बढ़ाएंगे तो फुल, कम करेंगे तो कम, ये ओपासिटी। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट की ओपासिटी कम ज्यादा हो, तो आपको यहां पर नीचे ओपासिटी एंड मास्क डिफाइन नॉकआउट शेप्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप इसे कम कर दें, ज्यादा कर दें, इस लेयर की हो जाएगी उसके बाद। इतना सा ऑप्शन है, इनको आप यूज में ले सकते हैं, थोड़ी इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ पर एक और है, आइसोलेट ब्लेंडिंग, क्लिक करेंगे तो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन इफेक्ट नजर नहीं आएगा। तो वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में और सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के ही बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।